जेन मॉन्क्स का कहना है कि बुद्ध ने कभी एक भी शब्द नहीं बोला और फिर भी बुद्ध ने लगातार 45 साल तक टीचिंग्स दी। सुनकर अजीब लगा, राइट? ये बात थोड़ा समझने की है कि जब एक सदगुरु, एक बुद्ध पुरुष बोलता है तो वो फिर भी नहीं बोलता। वो बोलता हुआ जरूर दिखता है लेकिन वो अपना मौन बांट रहा होता है। ये सच है, बुद्ध ने खूब बोला फिर भी एक शब्द भी नहीं बोला। जैन सन्यासी सही कहते हैं और इस बात की पुष्टि मैं भी करता हूँ। गुरु ओशो ने भी खूब बोला फिर भी कुछ नहीं बोला। गुरु तुमसे जो भी बोल रहा होता है पर अंदर से एकदम मौन होता है, कोई बात उसको विचलित नहीं कर सकती, वहाँ एक लहर भी नहीं होती। गुरु तुम्हारे पास पूरी तरह से उपस्थित होता है और साथ ही साथ पूरी तरह से अनुपस्थित, क्योंकि उसके भीतर किसी तरह का मैं नहीं बचा। ऐसा नहीं है कि गुरु मैं शब्द का उपयोग नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ उपयोगी है, इसलिए शब्द का उपयोग तो करना पड़ता है, ये जरूरी है, बट इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक सुविधा है, एक भाषा की स्ट्रेटेजी है। जब भी गुरु मैं शब्द का प्रयोग करता है तो बस एक शब्द का इस्तेमाल करता है जो उसकी तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर तुम गुरु की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें वहां कोई मैं नहीं मिलेगा। जितना अधिक मैंने अंदर देखा उतना अधिक मैं गायब हो गया। मैं केवल तभी मौजूद होता है जब तुम अंदर नहीं देखते। ये केवल तभी अस्तित्व में आ सकता है जब तुम नहीं देखते। जिस क्षण तुम देखते हो मैं गायब हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम एक अंधेरे कमरे में प्रकाश ले आते हो, अंधेरा गायब हो जाता है। तुम्हारे अपने भीतर देखना एक प्रकाश है, एक ज्योति। तुम वहां कोई अंधेरा नहीं पाओगे और तुम्हारा मैं सिर्फ घनीभूत अंधेरा है। बुद्ध की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो नहीं है, उनके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, वो इनडिफाइनेबल है और जो भी परिभाषा तुम उन पर लगाओगे वो अनुचित होगा क्योंकि उससे वो सीमित होते हैं और सच तो ये है कि वो असीमित है, वो शुद्ध शून्य है, वहां कोई नहीं है। प्रणाम।